दिल्ली से लौटे सिंहदेव, कहा शुभचिंतकों ने दी है चुप रहने की सलाह। नमस्कार, यू एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वापस रायपुर लौट गए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सिंहदेव ने कहा कि दिल्ली में पारिवारिक पूजा कार्यक्रम में शामिल होने गया था, किसी नेताओं से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरे शुभचिंतकों ने मुझे सचेत रहने की सलाह दी है ताकि कोई विवाद की स्थिति ना हो। ढाई ढाई साल वाले मामले में जितनी चर्चा होनी थी हो गई है, अब इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। सूत्रों के मुताबिक पंचायत विभाग की बैठक के दौरान अचानक मंत्री टीएस सिंहदेव के फोन की घंटी बजी थी। उसके बाद बाबा दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उनके दिल्ली जाते ही सियासी हलचल तेज हो गई थी, क्योंकि सिंहदेव 28 अगस्त को ही दिल्ली से लौटे थे। फिर 30 अगस्त को फोन की घंटी बजते ही दिल्ली के लिए उड़ान भर गए थे। अब एक दिन रुकने के बाद आज वापस छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। इससे पहले 28 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद कहा था कि हाईकमान से हर बात हो गई है, निर्णय उनके पास सुरक्षित है। जाहिर सी बात है कि ऐसे निर्णयों में थोड़ा समय लगता है। हाईकमान जो निर्णय लेगा वह हम सबको मंजूर होगा। जीवन में कुछ स्थायी है तो वह परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि हम काम भी करेंगे और हाईकमान के निर्णय का इंतजार भी करेंगे। अब वही सिंहदेव कह रहे हैं कि ढाई ढाई साल के मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। उन्होंने मौका दिया, किसी से कोई भी ABCD राजनीति से जुड़े हुए किसी से, सिर्फ देवताओं। नाराज कब था, हम लोग तो साथ साथ मुस्कुराते रहे। मुझे केवल ये सलाह मिल रही है कि मीडिया के सामने कोई ऐसी चीज नहीं बोलना, सब कोई माहौल खराब नहीं करना, आपके तरफ से कोई ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए। और कुछ वाकई में बचा नहीं है, इतनी सारी चर्चा हो गई है तो कुछ नया कहने को है भी नहीं। चुप रहने के लिए नहीं कहा है, मेरे को कुछ शुभ चिंतकों ने सचेत रहने के लिए कहा है कि ऐसी कोई बात ना आप कह दो जिससे कि अनावश्यक विवाद हो। बस वही सलाह है, मैं प्रयास कर रहा हूँ उस पर चलूँ, और बाकी में कुछ नया कहने को भी नहीं। यूएफटी न्यूज 24 के लिए पंकज शुक्ला की रिपोर्ट।